अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की सियासी कवायद तेज हो गई है। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। भाजपा की नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले यूपीए गठबंधन में हलचल बढ़ गई है। इस बीच विपक्ष के दो संभावित उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के तौर पर अपना नाम अलग कर लिया है। पहले एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। ऐसे में सियासी गलियारे में अन्य नामों की चर्चा तेज हो गई है। माना यह जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक नाम फाइनल हो जाएगा। विपक्ष को एकजुट करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी कोशिशें कर रही हैं। 15 जून को ही उन्होंने 22 विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें 17 दलों के नेता शामिल हुए। दिल्ली और पंजाब की सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की टीआरएस, उड़ीसा की बीजेडी, आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने खुद को इस बैठक से अलग रखा। इसी बैठक के बाद ममता बनर्जी, शरद पवार और विपक्ष के कई नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया था। इसमें शरद पवार ने खुद की उम्मीदवारी को नकारते हुए कहा था कि जल्द ही विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर शरद पवार तैयार हो तो पूरा विपक्ष उन्हें समर्थन देने के लिए तैयार है। उनके मना करने की स्थिति में अन्य नामों पर विचार किया जाएगा। शरद पवार के मना करने पर फारूक अब्दुल्ला का नाम चर्चा में आ गया। कहा जाने लगा कि अब्दुल्ला को उम्मीदवार बनाकर मुस्लिम कार्ड के साथ साथ जम्मू कश्मीर को लेकर भावनात्मक दाव भी खेला जाएगा। लेकिन शनिवार को फारूक अब्दुल्ला ने भी खुद को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से अलग कर लिया। फारूक अब्दुल्ला ने बयान जारी कर कहा, मैं भारत के राष्ट्रपति पद के लिए संभावित संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार के रूप में अपने नाम के विचार को वापस लेता हूँ। मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर एक महत्वपूर्ण मोड़ से गुजर रहा है और इन अनिश्चित समय में नेगेटिव करने में मदद के लिए मेरे प्रयासों की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा कि मेरे आगे बहुत अधिक सक्रिय राजनीति है। मैं जम्मू कश्मीर और देश की सेवा में सकारात्मक योगदान देने के लिए तत्पर हूँ। मेरा नाम प्रस्तावित करने के लिए मैं ममता दीदी का आभारी हूँ। मैं उन सभी वरिष्ठ नेताओं का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। बताते चले कि राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के लिए विपक्षी दलों की एक और बड़ी बैठक होने जा रही है। विपक्ष ने राकांपा प्रमुख शरद पवार की अध्यक्षता में राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा के लिए 21 जून को बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर तकरीबन 2:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में होगी। बैठक में 17 दलों के नेता शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी अभी उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर चुकी है। वजह साफ है कि इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरे दलों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।